दोस्तों कैसे हैं आप। मैं इकबाल, आपका IQ टेक्निकल में स्वागत करता हूं। शाओमी ने अपने मोस्ट पॉपुलर नोट सीरीज़ के अगले स्मार्टफोन के इंडिया में लॉन्च होने की डेट कंफर्म कर दी है और इसका टीज़र भी MI ऐप में जारी कर दिया है। यह स्मार्टफोन 12 मार्च को लॉन्च होगा और ये कम्पीट करेगा सैमसंग गैलेक्सी M31, रियलमी XT और रियलमी 6 प्रो से। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में इसी रेडमी नोट 9 प्रो की सुर्खियों की। इशारा करता है कि 12 मार्च को रेडमी नोट 9 प्रो लॉन्च होगा और इसमें क्वाड कैमरा का सेटअप होगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा। कैमरा सेटअप का डिजाइन सैमसंग और वन प्लस जैसा मालूम हो रहा है। सेल्फी कैमरा को शाओमी अब नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना। इसका डिस्प्ले सुपर एमोलेड होना चाहिए क्योंकि अगर सैमसंग M31 या रियलमी XT से कम्पीट करता है तो वो दोनों फ़ोन सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इसमें डिस्प्ले सुपर एमोलेड होगा। अगर होता तो टीज़र में हिंट ज़रूर देता, बीस्ट डिस्प्ले। सही कह रहा हूँ ना? रेडमी नोट 9 प्रो में स्नैपड्रैगन के 720G प्रोसेसर होने की भारी संभावना है क्योंकि खुद मनु कुमार जैन ने कहा था कि 720G प्रोसेसर के साथ उनका पहला फ़ोन होगा और टीज़र में भी गेमिंग को प्रमोट किया है। 720G से गेमिंग ही मुराद है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो गोरिल्ला ग्लास फ्रंट और बैक में देखने को मिल जाएगा, ऐसा शाओमी के पिछले फ़ोन्स को देख कर उम्मीद की जा सकती है। बीस्ट चार्जिंग, यानी इसमें शायद से 25 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और फास्ट चार्जर भी देखने को मिले। बैटरी की बात करें तो रेडमी नोट 8 प्रो की तरह 4500 mAh की होनी चाहिए। तो करते हैं एक हफ्ता और इंतज़ार, देखते हैं रेडमी क्या करता है इसमें चमत्कार। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, नए टॉपिक पर नई बात होगी। जब तक अपना और अपनों का केयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।